आए थे जब राम भगवान के आदेश हुआ, नर भी जाए नारी भी जाए, मगर किन्नर समाज के लिए आशीर्वाद नहीं था। हम लोग भी बहुत ही खुशी हैं, घर में शोहर गाए जा रहे हैं और नाच गाने हो रहे हैं। किन्नर समाज में बहुत ही उत्साह है और हम लोग इसी उत्साह के साथ, क्योंकि पूरा भारत वर्ष में मुझको ये निमंत्रणा मिला है राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के 22 तारीख के लिए, इसके लिए हमारे पूरा किन्नर समाज में बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत हमारे किन्नर बच्चे लोग अपने में डांस कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और हम यही कहना चाहती हूँ कि राम भगवान से हमारा पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब राम भगवान पैदा हुए थे तो भी हमारे किन्नर माताओं ने उनको गोदी में लेके उनको खिलाए थे, आशीर्वाद दिए थे। जब राम भगवान 14 बरस के लिए वनवास गए थे तभी हमारे किन्नर माता भी उनको छोड़ने के लिए सरजू के तट में आए थे। जब राम भगवान के आदेश हुआ, नर भी जाए नारी भी जाए, मगर किन्नर समाज के लिए आशीर्वाद नहीं था, उनका आदेश नहीं था, तब हमारे किन्नर माताएं भी 14 बरस वन में वनवास काटे थे। तो जब राम भगवान वापस आए तो राम भगवान ने किन्नर माताओं को आशीर्वाद दिया, तभी से हमारे राम भगवान के प्रति बहुत लगाव है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई में लिखे, देव दनुज किन्नर नरसेरी सादर मजही सफल तिरवेनी। तो आज सही में इस मायने में सफल हुआ है, क्योंकि इतने सालों के तपस्या के बाद, इतने सालों का इंतजार के बाद आज किन्नर समाज को भी निमंत्रण मिल रहा है और किन्नर समाज के पूरा नेतृत्व करके मैं जा रही हूँ। तो बहुत हर्षोल्लास से मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ शब्द में, इतना ज्यादा मैं अंदर से खुशी है और मैं पूरा मेरे नग्न आंख से मैं साक्षी बनने जा रही हूँ। राम लाला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका मैं स्वयं साक्षी बनने जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य के विषय, पता नहीं मैं पूर्व जन्म में क्या अच्छा पुण्य कार्य कर रही थी कि आज ये मुझको सौभाग्य मिला है और इसके लिए मैं पूरा किन्नर समाज के नेतृत्व करके जा रही हूँ। तो पूरा किन्नर समाज में एक हर्ष, एक त्योहार के, एक खुशी के माहौल आया हुआ है। एक एक किन्नर समाज घर से बाहर निकल के ढोल ताशा के साथ नाच गाना कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये हमारे लिए, ये किन्नर समाज के लिए बहुत बड़ी खुशी है और मैं पूरा किन्नर समाज की तरफ से मैं हमारे माननीय SFC हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को भाई धन्यवाद देती हूँ, हमारे SSP माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व में इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रही है। क्या कभी सोचा था कि इस तरह से निमंत्रण आएगा, इससे इतना सम्मान दिया जाएगा और किन्नर समाज जो उस समय वहां था और अब वनवास कटेगा? जी, मैंने कभी सपना भी नहीं सोची थी, ये एकदम अचानक ये सारे चीज हो रही है। तो किन्नर समाज के लिए संविधान में तो जगह मिली रहे, अब हम लोग को धार्मिक कार्य में भी हम लोग को स्थान मिल रही है। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रामलाला को बधाई देने जाऊंगी, वहां पे उनको गाना सुनाऊंगी। सोहर अभी आप लोग ने सुना कि सोहर हम लोग ने राम भगवान के प्रति एक सोहर बनाए हैं, वो सोहर वहां पे हम लोग डेलिकेट करेंगे राम भगवान के लिए। और ये बहुत खुशी की बात है, मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मैं देखिए, मैं खुशी से मैं रो पड़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम का मैं साक्षी बन रही हूँ, उनका एकदम से मैं अपनी आंखों से, नग्न आंखों से मैं देखने जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे सबरी माता को राम भगवान ने दर्शन दिए थे, सबरी माँ धन्य हुई थी, वैसे ही आज मैं किन्नर माँ, मैं धन्य हो रही हूँ राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा देख के। जी, मैं कौशल्यानंद गिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष, किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। हमारे लिए तो बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि आज हमारी गुरु माँ अयोध्या के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयारी बना रही हैं। हम लोग भी बहुत ही खुशी हैं, घर में शोहर गाए जा रहे हैं और नाच गाने हो रहे हैं। अन्यथा इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है अपनी गुरु माँ के लिए, जो कि उनकी विदाई रामलला जाने के लिए, अयोध्या जाने के लिए उनके हर उल्लास के साथ यहाँ से हम लोग ढोल ताशे नगाड़े बाजे के साथ उनका आगमन करके हम लोग बनवापीर बाबा पर भी जाएंगे उनको दर्शन कराने। हनुमान जी जो हमारे प्रयागराज के कोतवाल हैं, हनुमान जी बजरंगबली, हम उनसे
चरणों में आशीर्वाद लेते हुए फिर हम लोग अयोध्या के लिए अपने गुरु माँ की विदाई करेंगे। काफी हर्ष और उल्लास हमारे भाई गुरु किन्नर समाज जो कोई भी है पूरे जगह के और हमारे घर पे भी रोज नाच गाने नृत्य, और 22 तारीख को हम लोगों ने भी अपना बहुत बड़ा यहाँ एक प्रोग्राम रखा है। पूरे पूरे घर को हम लोग दीपों से सजा कर बहुत ही खुशियां मनाने वाले हैं 22 तारीख को।